अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अगेन ऑडियंस टू वॉचिंग द वीडियो। ये हमारे पास एक यंग पेशेंट है, मैं इनका शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने मुझे वीडियो बनाने दी। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, इन बेचारों का बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ था। किस तरह इंजरी हुई थी प्लीज बताइए। सर ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पर। कितनी पुरानी बात? ये तकरीबन अगस्त में 23 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था। अगस्त में इसका फ्रैक्चर हुआ, इतना कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हुआ कि सिर्फ हड्डी यहाँ से नहीं टूटी, इसका पैटेला टेंडन भी रप्चर हो गया साथ में। इसका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर था जिसमें फिबुला फ्रैक्चर हो गया, टीबिया फ्रैक्चर हो गया। पहले प्लेटिंग की गई मेरे कुलीग से डॉक्टर इमरान अली शाह ने, जो फ्रैक्चर हील हुआ और इसका पैटेला टेंडन रप्चर होकर ऊपर चला गया। इसकी मेन प्रॉब्लम अगर इस टांग में दिखाएं तो इस बेचारे की टांग उठती नहीं थी। वजह क्या है कि ये जो नी कैप है, जो पैटेला टेंडन यहां अटैच होता है, वो रप्चर्ड था इंजरी की वजह से। तो जब हम लोगों ने MRI स्कैन कराई और इसको देखा तो इस टेंडन और इस हड्डी और इसके दरमियान इतना बड़ा गैप था और कोई तरीका नहीं था इसको रिपेयर करने का। चूंकि पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल लिगामेंट अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैंने अपनी आर्थ्रोस्कोपिक जो एक स्किल है उस टेक्निक को यूज किया। और हमने किया क्या कि हमने इसके अपने हैमस्ट्रिंग टेंडन लिए, उसको यहां से पास किया और इसके पैटेला टेंडन को रिपेयर किया। कितना टाइम हो गया? 6 वीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 6 वीक्स हो गए। अभी हम इसको वजन डाल के नहीं चला रहे ताकि ये हील हो। अब आप मुझे बताएं टांग की कंडीशन क्या है, टांग सीधी करके दिखाएं। सबसे पहले माशाल्लाह, अब अगर मैं इसको साइड पे कर दूं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक टांग जो इसकी सीधी नहीं हो रही थी सीधी होने लगी है। बेंड करके दिखाएं, वेरी नाइस, स्लोली स्लोली, एक्सीलेंट। अब सीधा करके ऊपर उठा के दिखाओ, आराम से ऊपर उठाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टांग देखें ऊपर उठ रही है। चूंकि अभी सिर्फ 6 में मैं ज्यादा जोर नहीं लगा और थोड़ा सा आराम से करके बेंड कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि एक लड़का जिस बेचारे की टांग उठ नहीं रही थी, मतलब यूं हमने पैटेला टेंडन रिकंस्ट्रक्ट किया और अब इसकी टांग पूरी उठने लग जाएगी। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वजन डाल के चलाएंगे, फिर हम इसको स्टिक पे लेकर आएंगे और स्टिक के बाद हम इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे। आप मुझे बताएं आपको हमारी ट्रीटमेंट में कितनी सेटिस्फेक्शन मिली और कितना दर्द हुआ सर्जरी के बाद और क्या आपके रिव्यूज हैं? सर आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद योर सर्जरी एंड आई रेकमेंड टू एनी अदर पेशेंट्स आल्सो। आप खुश हो अभी जो रिकवरी चल रही है? जी बिल्कुल। ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी और मैंने इसको बड़ी ऑनेस्टी से बताया था कि इसका कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जाके फुटबॉल खेलेगा, लेकिन हमारा मकसद क्या था कि ये चलने लग जाए, ये गाड़ी चलाए, ये ऑफिस में जाए और अपनी रूटीन जिंदगी दोबारा इंजॉय कर सके। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि वो सारी चीजें कर पाएगा।